तो जी हम लोग अभी अभी बाहर निकले किसी काम से और हमने देखा कि कहीं पर बहुत ही बुरी आग लग गई है। पता है आग कहाँ लगी है? आइस फैक्ट्री का। आइस फैक्ट्री का उधर। आइस फैक्ट्री पे लगी आग। नहीं नहीं ओए यार, ये स्लम में तो आग नहीं लग गई? पता नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लगी आग। ओए होए होए होए, तुम देख रहे हो? अरे तो बहुत फैल जाएगी आग। खैर पुलिस तो है यहाँ पे, फायर ब्रिगेड भी आए। वो आगे तक गई आग, ये बिल्डिंग तो पूरी गई, वहाँ तक गई पूरी। आई होप लोग निकल गए वहाँ, और ये वो वहाँ सारी आग लगेगी। वो यार लपटे देखो कितनी ऊपर है। मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल हमारे घर के पास हो रहा है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और देर हो चुकी है और अब मैं तैयार हुई हूँ सबसे लेट। अविनाश तैयार हो चुका है, एडिटिंग वगैरह कर रहा है, और आपको अविनाश से मिलवाती हूँ। ये मेरी चिरकुंडी मम्मा की वेट कर रही है, छोटी बेबी। बस मम्मा चाहिए और कोई नहीं चाहिए छोनू को। तो मैं आपको अभी अविनाश से मिलवाती हूँ और अपनी कॉफी से भी। आजा छोनू, आजा चुन्ना, चुन्ना आजा, चुन्नी चुन्नी बेबी आजा। सो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी माई फर्स्ट कॉफी, और ये रहा अविनाश। हाय गाइस, वेलकम बैक। ये हाय हाय नहीं निकला तुम्हारे खिड़की के बगल में। चाय मेरी खत्म हो चुकी है, ये थी दूसरी चाय, अब तैयारी है क्योंकि बेबी उठ गई तो तीसरी भी मिलेगी उसकी आड़ में। मैं चाय नहीं बना रही, मैं कॉफी बना रही हूँ। वही दे दो यार। मेरी कॉफी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरा अपना टाइम है जो सिर्फ मैं अपने साथ ही व्यतीत करना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। कुछ कहना है? मैं कह रहा हूँ कि आपके शारीरिक अर्थव्यवस्था को देखकर लग रहा है कि अब एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, तो वो तो मैं कर ही रही हूँ ना, एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। मतलब मैं तो कर ही रही हूँ, मतलब फुल ऑन डाइट वाइट के साथ? नहीं, डाइट नहीं होगी अभी, डाइट नहीं करनी। क्यों? क्या ऐसा क्या करना है मेरे को जिंदगी में कि अभी डाइट करूँ मैं? क्यों, किसके लिए इतनी मेहनत करूँ? किसके लिए, मतलब अपने लिए? शरीर अपना है यार, शरीर अपना है तो वॉक कर रही हूँ ना। वॉक से कुछ ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा। तो तीन दिन में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। करेंगे करेंगे, डांसिंग वांसिंग सब करेंगे। डांसिंग में अगर करूँ तो मेरे को माफ कर देना, हो सकता है पेट वेट पेट पुट्ठे सब दिखे, लेकिन आप लोगों को माफ करना चाहिए। देखो हम इंसान है। नहीं तो हम दोनों वो कर लेंगे ना, मैक्सी पहन के डांस कर लेंगे ना, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तुम्हारा तो पेट छूट जाता है ना, तुम तो पतले ही दिखते हो। तुम्हारा पेट लूज सी टी शर्ट पहन लोगे, पेट अंदर कर लोगे, हो गया काम। ओ अविनाश जी, यू आर सो फिट। बेबी कितना भी छुपा ले वो बाहर आना ही है, दिखेगा ही। तो बेबी इज फैट, तो लोग तो जज करने वाले हैं। देखो आप लोग जो जज कर रहे हो वो ये भी सोचो कि हम इंसान है और इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है? उतार चढ़ाव के नाम से मुझे कोको याद आ गया जो उतरता ही जा रहा है। बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया इसको बेबी, बड़ी मुश्किल से। क्यों? बड़े नाटक कर रहा है। लेकिन कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या हृष्ट पृष्ट लग रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल हृष्ट लग रहा है। मतलब हाँ। कोई ऐसा वो नहीं लग रही ना? नहीं नहीं, वीकनेस वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है डॉक्टर से इसके लिए कुछ मल्टीविटामिन वगैरह कुछ। अरे मल्टीविटामिन मत दो, तो बिना मल्टीविटामिन के काट रहा है। मल्टीविटामिन कुछ डॉक्टर से लूं इसके लिए? ये तो वही बात हो गई कि आप अपराधी को और हथियार दे रहे हो। मल्टीविटामिन खाएगा, हृष्ट पृष्ट हो जाएगा। चल मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ओके। आज समझ नहीं आ रहा कि मेरा मन क्या कह रहा है, किस कप में पीऊं। नीचे भी थोड़े से कप सेट किए हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कौन से वाले में पीऊं। क्या करूं? ये लूं क्या? So I am stealing his best name. ये ले लूं क्या? कुछ और लूं क्या? समझ नहीं आ रहा है। चलो आज ही ले लेती हूँ, आज ही ले लेती हूँ। चलो आज इसमें पीती हूँ। तो पकड़ना पड़ता है ओनली प्रॉब्लम, वरना गिरती है कॉफी। ये देखो अगर मैंने छोड़ दिया ना तो गिर जाएगी कॉफी। मैं अपनी कॉफी लेके बैठूंगी यहाँ पे, आजकल की मेरी फेवरेट जगह है। और जैसे ये बोला है तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा होगा साइड पे। आओ आओ आओ, पता है तुम पीना। अकेली थोड़ी रहूंगी मैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अकेली होंगी, अपने एंजॉय करूंगी कॉफी, वैसा नहीं हुआ। साइड पे एक चिट्टी रोबोट भी है मेरे, जो मेरे को कभी नहीं छोड़ता। तो मैं जरा कॉफी पी लूं, फिर आपको मिलती हूं और अपना अगला प्रोग्राम बताती हूं, जो कि कुछ भी नहीं है। बताती हूं मैं आपको, दिखाती हूं कि चेरी सो कैसे रही है। चलो ये कैसी निन्नी मामा कर रहा है, ये कैसी निन्नी निन्नी हो रहा है तेरा। ना नक्कू भी सूखा हुआ है निन्नी में। क्या है खाने में? दाल, ये तो कभी खाई ही नहीं। अरे वाह, दाल ही होती है। जब से धरती पे आया हूँ आज पहली बार दाल मिली है। वाह वाह, जीवन सफल, कल वापस जा रहा हूँ धरती से। तुम्हारी तो फेवरेट दाल है ये। अरे फेवरेट है तो नहा लूंगा कैसे अब। ये क्या है? बैगून। बैगून भरता, चलो किसी बहाने तो दिन कटा। जस्ट टू चपातीज, नॉट मोर देन दैट, जस्ट टू।
जस्ट टू जी हम लोग अभी बाहर निकले किसी काम से और हमने देखा कि कहीं पर बहुत ही बुरी आग लग गई है। बेबी हमारी बिल्डिंग तो नहीं है? नहीं नहीं हमारी नहीं है बेबी। है? अरे तो बहुत बुरी आग लगी हुई है। हमारी बिल्डिंग तो वो रही ना उधर। बेबी मेरी हालत खराब हो गई दूर से देख के। अरे ये तो बहुत बड़ी आग लगी है। ये कहाँ लगी है भाई? मेरे को लग रहा है लगी तो हमारे घर के आसपास ही है। लगी है? पता है मेरे को ना जब मैं निकली थी ना तो मेरे को एक धमाका सुनाई दिया था। आई स्वेयर मुझे धमाका सुनाई दिया था। मैंने कहा यार फिर मैं बोलूंगी ना, तुम बोलते हो कि यार तुमको कुछ भी सुनाई देता है। ये तो बहुत बुरी आग लगी है भैया। तो पहले यहाँ चले? हाँ पहले यहीं चल रहे हैं, पेट्रोल बाद में भरवाएंगे। अगर ये दूर दूर से दिख रही है आग, पता नहीं किसी ने फोन किया फायर ब्रिगेड को या नहीं। मैंने सुना फायर ब्रिगेड भी सुना था मैंने, तो मैंने कहा पता नहीं क्या वो कोविड पेशेंट्स को लेने आ जाते हैं ना तीन टॉट टूटो करते हुए, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ओ माय गॉड क्या हुआ है? कुछ पता है आग कहाँ लगी है? आइस फैक्ट्री पे लगी आग। क्या हुआ? क्या कचरा पता है ना? अच्छा उधर से निकाल लो ना। दिखने में दूर से ऐसा लग रहा था अपने घर के वही आग लग गई है। बेबी आई होप लोग ना हो यार अंदर, तो धुआं निकल आया है पूरा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिल्डिंग में लगी है कि किसी फैक्ट्री में लगी। समझ नहीं लग रहा लेकिन मैसिव है आग। यहाँ कोई भीड़ भड़ाका भी नहीं है यार, कोई लोग भी इकट्ठा नहीं हुए, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा शायद। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग वहाँ तक पहुँचे कहाँ हैं? नहीं नहीं ओए यार ये स्लम में तो आग नहीं लग गई? पता नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लगी आग। ओए होए 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 तुम देख रहे हो? अरे तो बहुत फैल जाएगी आग। हाँ बस यार इसमें कोई इंसान ना हो यार। देखो आओ बेबी आग देखो, आग देखो, कैन यू सी दी आग? ये देखो। हाँ देखने डॉग है आगे। देखो ना लोग रुके हुए। ओ शिट What the hell? कि बेबी ये आग देख रहे हो तुम? ओफा तो ये तो बढ़ेगी आग क्योंकि ये तो घरों में लग गई है, फैल रही है। बेबी रुके, उतरे। उतर के हम करेंगे क्या बेबी? नहीं उतरो तो सही जरा। ऊपर से कुछ पानी डाल रहे हैं, उसने पानी से कुछ होगा नहीं, लेकिन इस पानी से कुछ ही होगा। लेकिन वो कहाँ है यार? ये तो बहुत ज्यादा आग है यार। ये घरों में आग लग गई बेबी, लोगों के घरों में आग लग गई। ये यहाँ यहाँ पे नहीं है आग, घरों में लग गई है। फायर ब्रिगेड को किसी ने? उतरो ना बेबी, उतरो ना जरा। ये तो आग बहुत भड़क गई यार। आगे जाए, आगे जाए, लॉक करा गाड़ी, लॉक करो। पुलिस तो है यहाँ पे, फायर ब्रिगेड भी आए। वो आगे तक गई आग, ये बिल्डिंग तो पूरी गई वहाँ तक गई पूरी। आई होप लोग निकल गए होंगे। और मेरी जब धमाका हुआ है ना, मैंने सुना लोगों को निकाल लिया ना। लोग कोई है नहीं, कोई है नहीं अंदर, कोई नहीं है। नहीं लेकिन ऊपर से पानी फेंक रहे हैं, वो लोग कौन है? वो तो बुझा रहे हैं ना। ये आग पानी से बुझेगी जरा से? एक बाल्टी से थोड़ी बुझेगी। वो जो उसमें आग पकड़ रही है ना, वो झोपड़े में उधर, वो बड़ा डेंजरस है पता है। आग लगेगी वो यार, लपते देखो कितनी ऊपर है। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल हमारे घर के पास हो रहा है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस। और कितनी बढ़ गई आग देखो, जा रहा है ना टैंकर। आगे और आगे आ गई आग, यहाँ पे भी आ गई। अभी काबू में आएगी शायद। तुम देख रहे हो धुआं हमारे घर तक पहुँचा हुआ है। थैंक गॉड यार, बिल्डिंग पे धुआं पहुँच रहा है। फायर ब्रिगेड आ गई ना, अब इनका प्रेशर ही अलग होता है ना। पता है जो आग की वो हो रही है ना, लपटे है ना जो, उससे यहाँ अपने को भी गर्मी पहुँच रही है पता है। इससे गर्म खुद को भी लग रहा है। फाइनली फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ गई है। हम लोग अभी भी गाड़ी में बैठे हैं, बट कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, बट एटलीस्ट किसी की जान को खतरा नहीं हुआ है, सबकी जान बच गई है होपफुली। अभी तक तो हमें तो यही पता लगा है, लेकिन अब भी आ तो रही है थोड़ी सी कंट्रोल में। ये दो टैंकर और एक फायर ब्रिगेड है यार, अब हो जाएगी कंट्रोल, हो जाएगी ना। हाँ 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 देखो ना शुरू हो गया ना, शुरू हो गए वो लोग। हाँ देखो बेस्ट पार्ट पता है क्या है, बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि एकदम ओपन में लगी ना आग, तो फायर ब्रिगेड को घुसने की जगह मिली, टैंकर को घुसने की जगह मिली, तो बुझाना आसान है। बिल्डिंग बिल्डिंग कहीं बीच में खोपचे में लगी होती ना, बड़ा दिक्कत हो जाती। तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये कोई किसी के शादी का मंडप था और शादी के मंडप पे आग लगी है और वहाँ से ये आग फैली है यार। ये देखो ना अब खाली धुआं धुआं रह गया है, लपटे नीचे हो रही हैं, लपटे नीचे आ रही हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। हाँ देखो लपटे एकदम नीचे पहुंचा दी 2 मिनट में फायर ब्रिगेड ने। लेकिन ये लपटे कहाँ तक पहुंच रही थी? अच्छा जब दूर से देखा ना तो हमें लगा हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है। इट इज दैट क्लोज जहाँ लगी आग, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट का हमारी बिल्डिंग से। हो गया भाई हो गया, चलो चलो भाई, जय माता दी। थैंक गॉड सब कुछ कंट्रोल में आया, अब निकल सकते हैं। देखो कितनी स्पेशियस जगह है ना, पूरा फायर ब्रिगेड पार्क हो गई दो इसके अंदर। तो बुझाना आसान है, लेकिन बेबी मैं तुम्हें बता रही हूँ धमाका जब मैंने सुना है, इट वाज दिस धमाका। वो अंदर काम वाम हो रहा होगा ना, मंडप का खाना वाना पक रहा होगा। तो जी हमारा आज का काम पूरा हुआ और अब बैठे हैं हम अपनी आरामदायक जगह पे। मतलब मैं तो अभी ना अविनाश, तुमसे ज्यादा आरामदायक जगह पे कौन है? पर ये क्या लगा रही हो? थोड़ा सा
ठंडी है ना तो ड्राई हो जाती है ना स्किन। मेरे भी लगा दो। मैं तुम्हारे के लगाऊं? अरे तो पत्नी लगाती है पति को। तुमने कभी ऐसा लगाया मेरे लिए? अरे मुझे तो पता ही नहीं क्रीम का, मेरे तो मुंह पे काले धब्बे हो गए तुम्हारी क्रीम के चक्कर में। पता है, और ना बेबी इसके ना नए चोंचले स्टार्ट हुए आजकल, ये अंधेरे में ना हाँ बारिश होती है तो फिर मैं इसको बाद में लेके आती हूँ जब सोने का टाइम होता है, और घिसट घिसट के आती है फिर ये। इसको थोड़ा अटेंशन चाहिए मेरे को लग रहा है। क्या हुआ बाबू? नहीं अटेंशन वाला कुत्ता तो नहीं है ये, जहाँ तक मैं इसको जानती हूँ तो अपने आप ले लेती है। ये क्या हुआ इसको अचानक? क्या हुआ है? आ जाओ ना, दो मिनट प्यार कर दो ना उसको, ऐसे मत कर, बहुत अकेला फील कर। ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, बहुत अकेला। ऊपर ले आओ मतलब तुम उसके बिस्तर पे नहीं आ सकते? मैं आ सकता हूँ लेकिन उसको थोड़ी देर ऊपर ले आओ ना। बेबी हाथी है ना, मैं उठाऊँ कैसे इसको? तुम भी तो समझो ना मेरी बात। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मेरे पर कभी तो रहम खाओ। आ रहा हूँ। वो ना थक भी गई है खेल के, पता है वो बच्चों के चक्कर में ना आजकल ये बहुत, अरे कोविड हुआ है क्या? बच्चों के चक्कर में ना ये बेबी इतना ज्यादा खेलती है नीचे, और बच्चों से सबसे लड़कियों से दोस्ती हो गई। लड़कियों से दोस्ती करी है इसने, लड़कों से नहीं करी है। हाँ माइंड यू लड़कियां, अच्छा she never liked guys in her life. तभी वो, और वो ऐसी पोनी टेल बना के आती है लड़कियां हाँ। तो इसको लगता है कि ये मेरी सहेलियां हैं। हाँ ऐसे टमक टमक के जाती है मेरी सहेलियां। सब खत्म हो चुकी है चारू, हालत खराब है। कहेगी सुबह उठा के रख दे मेरे को उधर। हाँ अभी भी वो यही कह रही है, उठ नहीं रही थी, धक्का मार के लाई उसको, चल बेटा आ जा। और वो देखो ना कहाँ सोया हुआ राजकुमार, धूल चाट रहा है। मेरे तेलू बाबा को पाली नहीं मिलती है, वो कैंडी भी तो कितना अकेला अकेला फील करता है। अभी ये तीनों के चक्कर में मैं कहाँ मारी जा रही हूँ यार। ये अकेली फील करती है, वो अकेला फील करता है, वो अकेली है, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं क्या फील करती हूँ कभी किसी ने सोचा है? पूछो इनसे, पूछो हरामखोरों से। मैं तुमसे क्या पूछूं, उनसे क्या पूछूं? मैं जो अकेला फील करती हूँ, मेरे को कभी तुमने एक बार ये नहीं बोला कि चलो बेबी गोलगप्पे खाए आए। अरे बेबी कल ही तो मैं अकेले खा के आया हूँ, बोलना चाहिए था। मेरे बिना खा के आ गए गोलगप्पे? अरे मैं नीचे जा रहा था, दिख गए। मैंने कहा अरे भैया कब आए जौनपुर से? कहता अभी। मैंने कहा लाओ फिर गोलगप्पे। और मेरे को एक बार नहीं पूछा? तुम्हारे गले में लग जाता है ना गोलगप्पा जाके। सूखा तो खा सकती थी। चलो कल सूखा खुलाता तुमको, ठीक है? एक तो ना ये नाइट सूट भी ना थोड़ा ज्यादा छोटा काट दिया इन्होंने। तुम कटवाती क्यों हो? कटवाया था, बहुत लंबा था ना, इट वाज वेरी लॉन्ग, सो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। ये धोती लग रही है। हाँ धीरे ऐसे ऐसे घुटना बन गया है इसमें। हाँ, ऐसे करना पड़ता है फिर, ऐसे घुटने का डिजाइन बन गया। खैर एनीवे नाइट सूट तो नाइट सूट होता है, इट्स जस्ट देयर फॉर योर कम्फर्ट। तो भैया आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं क्योंकि और ये मुझे नींद, और आपको कल मिलते हैं मॉर्निंग में। टिल देन डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। अरे बोल रही हो, तुम्हारे ठीक पीछे उल्टी चप्पल दिख रही है। उल्टी चप्पल दिख रही है, मैं भी तो उल्टी पड़ी हुई हूँ। मैं भी, सब मेरी बहुत बुरी हालत है भैया। सोने दो यार, बेबी खोल दो क्या क्विल्ट? एक काम कर दो जिंदगी में, एक तो चप्पल सीधी कर दो और क्विल्ट खोल दो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा सो जाते हैं, रात में ठंड लगेगी, क्विल्ट अपने आप ही खुल जाएगी फिर। पता ये आदमी इतना बेशरम है कि क्विल्ट तक नहीं होती इसके ऊपर, और मुझसे भी अलग खींच लेता है। कैंडी सो जाती है ना ऊपर, मैं क्या करूँ? दूसरी क्विल्ट ले लो आज से। नहीं।